नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर बहुत से लोग आते हैं कई बार क्लिनिक पे और वो कुछ सिम्टम्स लेके आते हैं। जैसे कहते हैं, सर बहुत ज्यादा फटीग है, बहुत ज्यादा थकावट है, मुझे बहुत ज्यादा सुस्ती है, मुझे बहुत ज्यादा आलस बना रहता है, मेरे को मसल पावर फील नहीं हो रहा है, मेरे को हाथों पैरों में क्रैम्प सा फील होता है, हाथ पैर में दर्द होते हैं, डुक्सा में काम करना चाहता हूं पर मेरे में काम करने की हिम्मत नहीं है, मेरे हाथों पैरों में सुन्नपन है, एक नमनेस सा है, टिंगलिंग सा है, ऐसा लगता है हाथों पैरों में जो है झंझनाहट सी है। कई लोग आके कहते हैं, सर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों में चींटियां सी चल रही है। इसी के साथ में कुछ लोगों को कुछ मानसिक सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे उनको मेमोरी जो है उनको लगता है कम है, उनको जो डिप्रेशन फील होता है, हेडेक फील होता है, चिड़चिड़ाहट सा फील होता है, कंसंट्रेशन जो है कम होने लगता है। तो ऐसे लोगों के अंदर भी जो है कुछ दूसरे सिम्टम्स भी कई बार देखने को मिलते हैं। जैसे कई लोग आते हैं कि सर थकावट भी है और उसके साथ में मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो मेरा एनीमिया भी है, यानी मेरे शरीर के अंदर खून की जो कमी है वो भी पाई गई, जिसके कारण ऐसे लोगों की जो स्किन है वो बिल्कुल पेल सी होती है, येलो कलर सी, यानी जो स्किन के अंदर जो ग्लो होना चाहिए, जो शाइनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती और पीलापन सा जो है इस तरह का देखने को मिलता है। काफी लोग आते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कंप्लेंट्स करते हैं साथ के अंदर, जैसे कि सर मेरा हाजमा ठीक नहीं रहता, गैस बनती है, ब्लॉटिंग होता है, उनका मुंह जो है कच्चा रहता है, बार बार जो है मुंह के अंदर छाले से है, इस तरह से होने लगते हैं। काफी लोगों को विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगता है और मेल्स काफी है, उनके अंदर इरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स है, ये जब इन सिम्टम्स के साथ कोई पेशेंट आते हैं तो अक्सर दिमाग में आता है कि क्यों नहीं इनका विटामिन B12 टेस्ट करवाया जाए। अक्सर क्योंकि ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी के सिम्टम्स है, जो आज के टाइम में बहुत ही कॉमन एक डिफिशियंसी देखने को मिली है और डाटा आज स्टडीज कहते हैं कि ऑलमोस्ट 40% जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो है विटामिन B12 की डिफिशियंसी काफी ज्यादा पाई जाती है। पर्टिकुलरली वो लोग जो शाकाहारी हैं, जो वेजिटेरियन डाइट वाले हैं, उनके अंदर ये काफी बड़ा रेशियो है जिनके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी पाई जाती है। ऐसे लोगों का जब ब्लड टेस्ट करवाया जाता है तो उसके अंदर पता चलता है कि उनकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। दोस्तों, डिफिशियंसी की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल जो इसकी वैल्यू है वो आप जानते हैं कि विटामिन B12 की जो वैल्यू है वो एवरेज अगर 300 प्लस है तो उसको सेटिस्फैक्ट्री हम बोलेंगे, 300 टू 200 है तो मतलब जो है आप कह सकते हैं बॉर्डरलाइन है, और अगर बिलो 200 अगर आपके रिपोर्ट्स के अंदर विटामिन B12 की आपकी रिपोर्ट्स आ रही है तो काफी ज्यादा यानी डिफिशियंसी है। तुरंत आपको सप्लीमेंट्स, डाइट, जैसा आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो लेने की आपको तुरंत जरूरत है। अब हम बात करें कि जो नॉन वेज फूड लेने वाले हैं उनके अंदर अक्सर विटामिन B12 की जो है डिफिशियंसी नहीं होती, बिकॉज जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स है वो काफी अच्छे सोर्स है विटामिन B12 के, और जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके अंदर ही मेजोरिटी केसेस के अंदर ये देखा गया है कि उनके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी जो है ज्यादा पाई जाती। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बात करने वाले जो खास करके शाकाहारी लोगों के लिए है और जो बहुत आराम से मतलब जो है ज्यादातर घरों के अंदर इस फूड्स को लिया जाता है, बस आपको इनकी थोड़ी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा देनी है या इनको आपको अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करना है। अगर आप इनको अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है कभी भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होगी। इन फूड आइटम्स की हम बात करें तो सबसे पहला हमारा फूड है मिल्क या दूध। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, हर घर के अंदर जो है हम लोग दूध यूज करते हैं, मिल्क यूज करते हैं, लेकिन अक्सर जो है लोग इसको रूटीन में नहीं लेते। कई लोग इसको जो है चाय बना के पी लेंगे लेकिन डे टू डे रूटीन के अंदर दूध नहीं पिएंगे। तो अगर आप शाकाहारी हैं और आप नॉनवेज नहीं लेते हैं तो आपको अपनी डाइट के अंदर दूध जरूर शामिल करना चाहिए और आप कोशिश करें कि दिन में कम से कम एक ग्लास दूध को आपको लेना ही चाहिए, और कोशिश करें कि अगर आप ले सकते हैं तो सुबह शाम जो है आप दूध को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दूध एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। इसी तरह से जो मिल्क हो गया, इसके साथ में जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जैसे पनीर है, दही है, चीज है, मट्ठा है, ये सारे प्रोडक्ट जो कि दूध से बनते हैं, इन सब के अंदर भी विटामिन B12 बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है। तो अगर मान लीजिए आप पनीर नहीं ले रहे हैं, चीज नहीं ले रहे हैं, तो कम से कम आप जो है अपनी डाइट के अंदर दूध है इसको रेगुलर ले सकते हैं। इसी तरह से आप दही को भी अपनी डाइट में रेगुलर शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट जो आप ज्यादातर किचन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा वो है चना। चना है, ये भी एक विटामिन B12 का बहुत ही अच्छा सोर्स है, और चने को आप अलग अलग तरह से ले सकते हैं। आप नाइट भर चने को भिगो के और सुबह आप खा सकते हैं, इसी तरह से आप भुने हुए चने खा सकते हैं, आप रोस्टेड चने खा सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप चने की सब्जी भी बना के खा सकते हैं। लेकिन आपको चने को अपनी डाइट के अंदर जरूर शामिल करना चाहिए। आप जानते हैं कि चना ताकत का जो है भंडार है, तो ये आपको बॉडी के अंदर एनर्जी भी देगा, स्टेमिना देगा, और साथ ही साथ आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी कभी भी नहीं होने देगा अगर आप उसको आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जो जितनी भी दालें हैं, खास करके अगर हम बात करें तो मूंग दाल है, चना है, उड़द है, अरहर, ये जो दालें हैं ये सारी बहुत ही अच्छी सोर्स है विटामिन B12 का। आप इन सब दालों को दाल के फॉर्म में ले सकते हैं या खिचड़ी में ले सकते हैं, इसी तरह से अंकुरित या स्प्राउटेड जो है वो भी आप फॉर्म में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो भी विटामिन
B12 की अच्छी सोर्स है और उसमें भी जो बेस्ट सोर्स है वो पालक। पालक विटामिन B12 का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है और आप इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अगर आप रेगुलर पालक को अपनी डाइट में लेते रहते हैं तो आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होगी। इसी तरह से नेक्स्ट फूड आइटम जो ज्यादातर घरों में यूज होता है वो आलू। आलू भी एक बहुत ही अच्छा जो है विटामिन B12 का सोर्स है। इसको आप जो है डायरेक्ट सब्जी बना के खा सकते हैं, किसी भी सब्जी के अंदर आप आलू डाल के खा सकते हैं। आप बहुत से लोग हैं वो आलू को उबाल के भी खाते हैं, बच्चे भी आलू को उबाल के खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं और एटलीस्ट आलू एक ऐसी सब्जी है जिसको हर सब्जी के अंदर डाल के खाया जा सकता है। तो आप आलू भी अपनी डाइट के अंदर जरूर शामिल करें जिससे आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं हो। नेक्स्ट हम बात करें तो चुकंदर और मशरूम, ये दो सब्जियां भी ऐसी है जो विटामिन B12 का आप कह सकते हैं खजाना है और भंडार है। अगर ये सारे जो है सब्जियां और दूध अगर इनको आप अपनी डे टू डे डाइट के अंदर शामिल करते हैं तो आपकी बॉडी की जो मोस्ट ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 की वो इनसे पूरी हो जाती है और आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो के शुरू में जो हमने सिम्टम्स की बात की, जिन लक्षणों की हमने बात की, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स या लक्षण आ रहे हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो। आप अपने नजदीक में डॉक्टर साहब के पास जाएं और अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। और अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको कुछ सप्लीमेंट्स दें, कुछ ओरल दें, तो उनको आप सप्लीमेंट्स को भी लें और साथ में अगर आप इस तरह से डाइट लेंगे तो डेफिनेटली आपको जिंदगी भर कभी भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।